निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। ये चैलेंज है टीबी के मरीजों का पोषण, उनका न्यूट्रिशन। इसे देखते हुए ही 2018 में हमने टीबी मरीजों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणा की थी। तब से अब तक टीबी पेशेंट्स के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं। करीब 75 लाख मरीजों को इसका लाभ हुआ है। अब निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। साथियों, पुरानी अप्रोच के साथ चलते हुए नए नतीजे पाना मुश्किल होता है। कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। टीबी के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। टीबी की मुफ्त जांच के लिए हमने देश भर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है। ऐसे स्थान जहां टीबी के मरीज ज्यादा है, वहां पर हम विशेष फोकस के रूप में कार्य योजना बनाते हैं। आज इसी कड़ी में, और ये बहुत बड़ा काम है, टीबी मुक्त पंचायत। इस टीबी मुक्त पंचायत में हर गांव के चुने हुए जनप्रतिनिधि मिलकर के संकल्प करेंगे कि अब हमारे गांव में एक भी टीबी का मरीज नहीं रहेगा, उनको हम स्वस्थ करके रहेंगे। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। पहले मरीजों को 6 महीने तक हर दिन दवाई लेनी होती थी, अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। यानी मरीज की सहूलियत भी बढ़ेगी और उसे दवाओं में भी आसानी होगी। साथियों, टीबी मुक्त होने के लिए भारत टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। हर टीबी मरीज के लिए जरूरी केयर को ट्रैक करने के लिए हमने निक्षय पोर्टल बनाया है। हम इसके लिए डेटा साइंस का भी बेहद आधुनिक तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री और आईसीएमआर ने मिलकर सब नेशनल डिजीज सर्वेलेंस के लिए एक नया मेथड भी डिजाइन किया है। ग्लोबल लेवल पर WHO के अलावा भारत इस तरह का मॉडल बनाने वाला इकलौता देश है। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।